लिखा है इतनी नॉलेज को नहीं। ये हाँ बदनाम थोड़ी सी पब्लिक मतलब ने। हवा ऊंट आ रहे यार, ये नहीं बताई 12 बज रहे हैं, मेरा थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो हाँ दिक्कत यार हर एक गेम नहीं होता, कौन सा गेम में मेडिकल किट गला नहीं होती, कोई एक ना ना गेम का नाम बता दे तो मेडिकल किट रखनी पड़ा है। सर दर्द बुखार की गोली, नीरो भी नीरो काइंड प्लस, अल्ट्रावेट, बोवरोन बहुत है यार जो मतलब अपना शरीर ना चाहिए जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए हाँ दर्द दुखेत्र क्यों नशा भाई। आड़ में राजनीति है यार, हर एक टूर्ना राजनीति करा है यार, नु है को नहीं यार प्लेयर का तो को है को नहीं, प्लेयर ग्राउंड या कुछ भी रूल 1% भी को नहीं, बस ओनली हरियाणा में तो चीफ गेस्ट दिखे उनकी पीछे दिखे कारण था। रेस्ट उस तीन ले उसका चोट लग रही थी, कैच कौन लग गई उसका चोट लग रही थी, और जब कैच कौन लग गई तो फायदा गया चैन सेट में खड़े हो गया इस तरह बढ़िया, तो अपना चैन तो बाहर निकल लिया ठीक रहा, क्योंकि कोई और प्लेयर अजगर और कैचर भी थे, दो तीन कैचर और थे, कम से कम वही खड़े होकर ट्राई तो बढ़िया कर लेंगे, उनको ही लागू ना लागू कोशिश तो कर लेंगे। ये भी उसका दर्द है चोट है इस पर ना, तो इस पर मतलब खेले जाना ढंग है हाँ और ना बस दूसरा ना खेलना था, तो इसकी मैं तो कहूँ इसकी बहुत बढ़िया कर, कम से कम बाहर तो निकली आई हूँ हाँ सही बता, बात। मैं ट्राई करके देख लियो तो हमें कैसे मारते थे। तो आपका 2023 में के कुछ प्लान है और कौन सा क्लब में खेलने की तैयारी है पंजाब में? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट लेजर में। आज आपके साथ है भाई हरियाणा का सुपरस्टार रेडर अदिति दुल्ला का नाम तो भी जाना है, सुनील दमताण। तो पलवन जी राम राम, राम राम भाई, और क्या हाल चाल है पलवन जी? बढ़िया भाई आपने खाना। आज बेरी में फाइनल में अपन की टीम पहुंच गई, मतलब बेरी में खेल रहे हो आप, हाँ भाई, एक सिल्लू खेल रहे हैं आपके साथ। हाँ भाई, तो सिल्लू के साथ खेलने में किस आके कुछ मजा आया? मजा आवे, बढ़िया मजा आवे। बेरा भाई अपना 4-5 कैच पक्की मारा है, किसी वाला भी हो तो प्रेशर रहते नहीं भाई, हाँ अपना नॉर्मल हो खेले जा भाई। तो पलवन जी, आपने पहला किस गला और इंटरव्यू दिया को? हाँ भाई दे हैं 4-5 इंटरव्यू दे लिए पहला भी तो कबड्डी की शुरुआत कब सीख रही थी, कितने दिनों के वहां कबड्डी खेलता ने? भाई, कबड्डी स्टार्टिंग मैंने 17-18 सीजन पहले खेला था भाई। अच्छा, हाँ भाई, तो अब तक कितने मोटरसाइकिल कितना के कुछ इनाम जीत लिया पलवन जी? भाई मोटरसाइकिल 5-6 मोटरसाइकिल जीत लिए, हाँ एक बुलेट सम्मान में मिला है और एक घोड़ा जीते भाई, और 18-20 LCD-ियाँ, चांदी के कड़े हैं, हाथ चैन चून जो मशीन है वाशिंग, बाकी भाई कैश प्राइज है 11,000, 21,000, 51,000। तो विदेश का भी टूर लग गया को पलवन? हाँ भाई मलेशिया खेल गया था मैं, दीप दिख खुले कहा आगे था मैं अनाउंसमेंट करी थी भाई, न्यूजीलैंड का वीजा लग गया पलवन का, तो उसमें के कुछ सच्चाई है? भाई, वीजा नहीं लग गया तक 29, मतलब कमेंट करे है भाई माँ में इस तीन प्लेयर थोड़ा लेकर जाऊंगे, तो मतलब वीजा लगना तो वो है भाई जब मेरी फाइल लग जाएगी पेपर लग जाएगी, तो वीजा हाँ, तो मैक्सिको देख रहा भाई, हम इन्हू कह भाई माँ मिल लेकर जाऊंगा, प्लेयर अपना पसंद है तो आगे कच्ची सीजन में शुरुआत होगी न्यूजीलैंड की भाई, 2023 में। मार्च में कहो भाई, मार्च में मैच होएंगे तो बबलू भाई ने भी बुलाए भी थे, बड़ा बात हुई थी भाई पक्का लेकर जाऊंगा तेने, बाकी भाई जी जावा जी की बात है, बाबा मेरे घर खेले वहाँ पे। तो हाँ पलवन जी, जो रबागड़िया चैंपियनशिप हुई थी 10 तारीख ने, 10 दिसंबर ने, भाई, तो उसमें हरियाणा की टीम सेकंड रही थी, हाँ तो भाई, उसका बहुत रोड़ा उठा था ग्रुपा में भी और भी। मैंने कई इंटरव्यू ले पलवन पावर पे पूछा था, तो उसमें के कुछ था भाई, मैच फिक्स था या फिर सिल्लू ने कैच नहीं लगाई, तो उसका के कारण था? आपने भी रेडिन लगाई, उसके बारे में भी कह रहे थे, बस सुनील ने रेडिन लगाई, तो के कारण थे इन बात के? भाई कहानी से है देख, एक ठंड है यार, सर्दी है और ऊपर यार मेरे एक आधा मैच में बूढ़ी चल रहे, आधा मैच में बूढ़ी ना भी चल रहा है, हाँ तो सिल्लू का यार उसने ट्राई करी शुरू में, तो उसका थोड़ी मसल में दिक्कत है, कुल्ले खींच रहे मसल से खींच रही थी, तो उसके बाद जहाँ कौन गया बूढ़ी ही काम ही कौन करी, और दूसरा भाई बात है भाई अगले भी खेलना है, एक आधी ना भी कैच खाऊ इसका मतलब थोड़ा भाई फिक्स हो जाए मैच, दिल तक छोरा जोर मारा है कल फाइनल तक ले गया, इतनी कैच मार गया, अजय फिर भी आप उस पंगल बिठाओ तो फिर यार गलत बात है, होना चाहिए उसकी सहारा यार, और उसकी मतलब उसके खिलाफ जाएगा, पब्लिक है यार, पब्लिक का नहीं है, मारने वाले की लाठी पकड़ी जाए इसके, नया तो बोलने बात वाले है की जबान पलवन। थोड़ी पकड़ी जाएगी यार, कहने वाले कहें सच्चाई तो सच्चाई है, प्लेयर है यार, प्लेयर नु थोड़े भाई हाँ जब मैच पिट गया कैच नहीं लगी फिक्स हो गया, और जब हाँ कैच मार दी वह गया यू तकड़ा गया, ये बात थोड़े गिरा यार। ऊं तो बाकी वो मैच फिक्स कौन था, फिर भी जुगर ऊं तो सारा हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी थे सारे सिल्लू की सपोर्ट में आए थे, फिर भी जुगर नु देखा दर्शक ने क्यों लग गया भाई मैच फिक्स था, क्योंकि सिल्लू ने एक तो कैच नहीं मारी, हाँ भाई, एक सिल्लू थोड़ा खड़े होगा थोड़ी आना है, तो रेस्ट ले लिया पलवन ने, तो यू भाई कारण था। रेस्ट उस तीन ले उसका चोट लग रही थी, कैच कौन लग गई उसका चोट लग रही थी, और जब कैच कौन लग गई तो फायदा गया चैन सेट में खड़े हो गया इस तरह
बढ़िया, तो अपना चैन तो बाहर निकल लिया ठीक रहा, क्योंकि कोई और प्लेयर है और कैचर भी थे, दो तीन कैचर और थे, कम से कम वही खड़े होकर ट्राई तो बढ़िया कर लेंगे, उनको ही लागू ना लागू कोशिश तो कर लेंगे। ये भी उसका दर्द है, चोट है इस पर ना, तो इस पर मतलब खेला जाना ढंग था और ना बस दूसरा ने खेलना था, तो इसकी मैं तो कहूँ इसकी बहुत बढ़िया कर, कम तो बाहर तो निकली आई बताऊ, तो मैं ट्राई करके देख लियो, तो हमें कैसे मार देते। तो आपका 2023 में के कुछ प्लान है और कौन सा क्लब में खेलने की तैयारी है पंजाब में? भाई अभी गुरदासपुर लाइन में खेल रहा हाल तक, तो उन्होंने वाले जुड़ रहे हैं अभी शुरू थे, तो उन्होंने के लिए खेलना है भाई, बाकी टाइम पता होगा कि नहीं। बाकी पहले ना आप पंजाब में ज़्यादा खेलो तो इसका क्या कारण है? भाई मज़ा पंजाब में खेलते हैं, हरियाणा में मज़ा भी नहीं आता, हरियाणा में तो यार कबड्डी को नहीं होती यार, कबड्डी का मतलब आड़ में राजनीति है यार, हर एक टूर्नामेंट राजनीति करे हैं यार, है को नहीं यार प्लेयर का तो है को नहीं, प्लेयर ग्राउंड या कुछ भी रूल 1% भी को नहीं, बस ओनली हरियाणा में तो चीफ गेस्ट दिखे हैं, उनकी पीछे दिखे हैं। मतलब हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो पंजाब में ज्यादा कैदा खेल रहे हैं, एक तो पीछा कारण हो या फिर भाई मैच जल्दी हो जाइए वो नियम हो, भाई के कारण है भाई? मतलब हरियाणा के जो खिलाड़ी तैयार हुए हैं बढ़िया हुए हैं तुम्हें पंजाब में ज्यादा मैच लाने लायक जाए? देख सबसे पहला तो कोई भी बंदा कोई भी फील्ड हो अगर पढ़ा यहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई क्यों करा, रुपया कमाया था वहाँ पे नौकरी कर लिया जब रुपया कमाया जाए अगर अपना बड़कन सुविधा हो जाए या अपनी मतलब लाइफ बढ़िया हो जाए, मतलब जी वो काम यार इब बंदा तगड़ा हो रहा है तो रुपये भी कमा हुआ है गेम में, तो रुपये कमाने खातर भी खेला और साथ में इसमें इज्जत भी है भाई, और ओड़ा रूल भी है यार, मतलब मैच उनकी यार प्लेयर ने मतलब लाया कबड्डी का मतलब ना कि राजनीति मतलब है, वो तो चीफ गेस्ट हम चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट हम चीफ गेस्ट, 20 टीम आ रही है 19 मैच होएंगे, इतना टाइम 19 मैच खिला दे इतना मतलब चीफ गेस्ट ले दे। यह तो बात सही हो करण जी। तो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं आपने तो मतलब पहले ही से खिलाड़ी देखे हो मैंने, जो मतलब खुलकर नुको हाँ भाई पीछा कहते खिलाड़ी खेल रहा है और पीछा जरूरी भी हो है, देखा कोई भी हो गया भाई पीछा बिना तो कुछ भी कोनी कोनी भाई, पीछा बिना दिहाड़ी पहले ले तो दिहाड़ी मुकर आवा मां भी दिहाड़ी होगा भाई, दिहाड़ी करना रे मां भी सही बात है, पहले ओ दिहाड़ी भी ओ भी आठ तड़ा है अपना तीन चार चले मां भी अपना आठ तड़ा भाई, ई भी से ठंड मनु देख ले निकर निकर में खेलना की छोटी बात है मेरा जड़ी हो रहे हैं भाई। तो पलवन जी ब्याह भी होगा के प्लान है? इब्बो को नहीं भाई ब्याह भी करवाते और कद से कराओगे की बरा भाई, फिर बिगड़ कर के कुछ प्लान करते जड़े नहीं कराते भाई ब्याह तो और अच्छा मतलब और के कुछ आपके घर में परिवार में मतलब और कितने मेंबर है कौन कौन है? अपनी ज्वाइंट फैमिली है भाई। अच्छा मम्मी पापा दादी अंकल आंटी है, एक सिस्टर है छोटी और दो भाई है भाई। तो पढ़ाई और बता दे पहले उनका कड़ा लग रहा है? प्लस टू कर रखी है उन्हें उसका आगे। अच्छा मतलब अगर मतलब कबड्डी में इंटरेस्ट है या कबड्डी तो असली कबड्डी वाले हो आप तो है हां और क्या। अच्छा मतलब और आपके मतलब किले का लेवल के कुछ अगर कभी उनकी साथ फिर भी कबड्डी लेंगे जुगाड़ तकरीबन नॉर्मल होगा सब होगा, अगर जिसका जुगाड़ होगा नहीं तो मतलब इस फील्ड में बहुत कम चांस है, 2-3% चांस है जिसका बढ़िया जुगाड़ है बढ़िया जमीन है बढ़िया पीस है तो वो कबड्डी खेल लगा दो शौक है तरह खेलने बस वो एक आधा पास इसकी शौक है नहीं बाकी। हाँ कबड्डी जुड़ जाएगा प्रमोटर उसका रुपये वाला बंदा या मतलब नाम कमाने चक्कर में रुपया ला जाएगा कबड्डी पे, लेकिन खेलना नहीं गा अमीर अमीर आदमी गरीबों वाला खेलना यार। तो मतलब सपोर्ट करना चाहिए जितने भी हैं कमेटी वाले हैं भाई, मतलब खर्चा पानी देना चाहिए सारी टीम ने किराया देना चाहिए? हाँ यार खर्चा पानी भी देना चाहिए किराया भी देना चाहिए, सबसे बड़ी बात है यार हरियाणा में तो देख पंजाब में एक चीज है कोई भी कितने मतलब छोटा प्लेयर हो चाहे कितने बड़ा प्लेयर हाँ। वो पहला राउंड के मैच कह दें भाई दस मतलब 10 नंबर के हैं तो हर एक टीम के मैच 10 नंबर के, दूसरा राउंड कह दिए 12 नंबर के, फाइनल तक 17-18 नंबर तक कराए हैं बढ़िया, जो आठ टीम हो चार टीम हो वो बड़े लंबे मैच हो क्योंकि मैच 4-500 हैं, तो पूरा अपने से काम है बढ़िया टीम वाला माड़ी टीम का मैच आइए कि बेरा दो डमरान कहने खत्म हो गया चलो भाई क्यों भाई चल ठीक है उन तीनों बेरा माड़े हैं आ रहेंगे कदे तुम्हें भी जीतेंगे एक तू दो दो रेड मार के दो रेड का एक्सपीरियंस ले गया हां दो टच ले मैं उनका एक्सपीरियंस ले एक मैं मतलब पूरा मैच खेल गए कुछ तू सीखने मिला हूं सीखने खातिर आए हैं तू तो सीखने दियो और बढ़िया टीम का मैच आ जाए वो केरा 10-10 का कर दे। तो आपके उस तरह हरियाणा कबड्डी में के बदलाव होना चाहिए जिस तरह हरियाणा के जो खिलाड़ी में पंजाब में जावे और पंजाब के खिलाड़ी हरियाणा में ज्यादा आने लग गए तो के कुछ बदलाव चाहिए हो गए आप? भाई बदलाव यू है सबसे पहले तो जिक्र चल ठीक है भाई अपने कम है मतलब गांव में गाई गुई करके खेल कर आए हैं तो चीफ गेस्ट पे वो है तो चीफ गेस्ट पे सीधी बात है यार खेल 10 दिन पछ कर रह दियो
अपना सारा हाथ मुट्ठी में, 9 दिन बाद वहाँ मारा बजट 12 लाख रुपया गया, हमारे पास 13 लाख रुपये हो गए। हाँ फिर डेट दरो अपना हरियाणा में के सिस्टम है, मतलब डेट दर दें पहला। हाँ भाई 15 तारीख के खेला अपना और कापी चलो बहुत बढ़िया सुझाव है पलवन जी आपका। यू तो एक बात और पूछना चाहूंगा, सारे पलवन इंस्टा पे रील बनावे हैं तो आप भी इंस्टाग्राम चलाओ? हाँ भाई हाँ इंस्टाग्राम चलाओ। क्या नाम था आईडी आपकी? भाई सुनील कबड्डी दमदाना नाम था भाई। तो सारे भाई एक बार फॉलो जरूर करियो पलवन ने, और आप ये इंस्टा पर रील भी बनाओ आप। ओ बना ले खाली टाइम पास कर ले। अच्छा तो पलवन जी और लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे प्लेयर ने या दर्शक ने जो आपने पसंद करे, आपका खेलना पसंद करे? भाई मैं तो को बात कहूँ, जो कर प्यार करो नु कर दे रो भाई, तारा दिल ते धन्यवाद, तारा प्यार के भूखे हाँ जितना करो। एक लास्ट में और बता दे पलवन, जो नशा की और थोड़ी बात सी चल रही है, चले जाओ ग्रुप में, तो इस बारे में थोड़ा और बता दे खुल के एक बार भाई, हाँ के कुछ करना चाहिए के कुछ है के नहीं। ये छोटी बात लनुका रही है ना, नशा ज्यादा है। हाँ तो उसका कम करना हो नहीं, नशा भी कम करना हो जाएगा कुकर हो जाए। सबसे पहले कमेटी ले, कमेटी खेल करा भाई छोटे लम्बे ले लिया दूसरा कंधे लम्बे नशा करूंगा ले मैं नशा लाए रहे। एक तो आज पंजाब में ट्रैक्टर थे 8 बजे फाइनल हो लिया, वो लिया नहीं कितना। हाँ। बड़ा टूर्नामेंट था और पूरा कितना टाइम हो रहा है 12 बज जाएंगे, मतलब 11:30 हो गए फाइनल तक 12 बज जाएंगे। हाँ, 4 घंटे फर्क हो गया नहीं। हाँ। जी ये रूल कैसे आपने चीफ गेस्ट चीफ गेस्ट नहीं आवे और अपना खेल सिद्ध करा दें। हाँ। कम से कम 4 घंटे नशा कम करूंगा। हाँ, सही बात है, 4 घंटे तो मैं नशा कम करूंगा नहीं। हाँ, कम से कम गण नहीं कम तक कम जो नशा भी करता हूँ नहीं तो जे मैं 100% करता हुआ कम से कम 8 बजे खेल खत्म होने लगे और जाडे करके हुआ करके बंदा मैं करके थोड़ा बताओ कर ले 60% 70% पै जाएगा। 30% तक कम होया तो 70% पाया पता उसका दिल नु भी मान लग जाएगा तो 30 पै जाए। जो 70 पैसे खेलने लग रहे नीचे 100 रुपये खेला था तो 30 पै जाए वो 30 रुपये भी खेलने लग जाएगा। बदनाम थोड़ी हवा ऊंट है यार, इन बताई 12 बज रहे हैं जे मेरा थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत यार हर एक गेम नुसा गेम में मेडिकल किट गला नहीं होंगी, कोई एक गेम का नाम बता दो तो मेडिकल किट रखनी पड़े, सर दर्द बुखार की गोली नीरो बीन नीरो काइंड प्लस अल्ट्रावीट बोवरोन बहुत है यार जो मतलब अपना शरीर ना चाहिए जो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए। हाँ। दर्द दुखत्र कि नशा है भाई ना ना ठीक बात तू तेरा मेरा बरगान साल ठीक है मैं दर्द हो गया मैंने भाई बरात ने किसका डॉक्टर लगाया बोवरोन ले लिया और बोवरोन में लान लग रहा हूँ तू तो ना दिख गया तो सारे खिला सुनील दमदान दो टिका ला जरूर बता दियो। बाकी पलवन का बड़ा इंटरव्यू करांगे बाद में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आगे के के सवाल पूछने। तो पलवन जी लास्ट में कुछ कहना चाहोगे अपना जो अपना प्यार करें? भाई सारे भाई हां दिल तक धन्यवाद भाई नू में प्यार करते रहो तारे प्यार के भूखे हैं तारा दिल तक धन्यवाद है भाई सारे भाई। ठीक है भाई आगे मिलेंगे और पलवन गला।